एक बार भी नहीं लाया है, दो बार कब लाया है? Hey guys, welcome back to the today's vlog. आज डेट हो रहा है 21st अक्टूबर. अभी अभी हमारा क्लास खत्म हुआ है, 1 आवर का ब्रेक मिला है बस, फिर क्लास है, जाना पड़ता है. और सुबह से हम मीटिंग्स, मेंटर मीटिंग्स, वो सब में फंस गया था. अभी अभी थोड़ा टाइम मिला आज का ब्लॉग शुरुआत करने के लिए. और आज मौसम भी बड़ा सुहाना है. और ये रहा मिस्टर आयुष. तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग. आज बहुत ही स्पेशल दिन है. दिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज गौरव भैया को हुआ है न्यू बेबी. वो रिवील नहीं किए हैं अभी तक, बॉय है या गर्ल है, जो भी है. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव भैया और रितु भाभी को. और उनको पार्टी भी मिल रहा है. और थोड़ा पार्टी आज मेरे तरफ से है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है. तो गौरव सर की खुशी को हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं. और एक नया बीस्ट आ चुका है तनेजा फैमिली में. और आज सुबह सुबह मौसम इतना ख़राब था, इतना गर्मी, बट अभी इतना चिल है मौसम, लाइक मज़ा आ गया भाई. थोड़ा बारिश हुआ है और मौसम पूरा ही ठंडा हो चुका है, तो ब्लॉग बनाने में मज़ा भी आ रहा है. वैसे भर दिन स्वेट स्वेट थोड़ा अजीब सा लगता है. और ये यहाँ पर है, कुछ करता नहीं है. क्लासेस मीटिंग्स से अपना पाला छूट नहीं रहा है. कुछ करता नहीं है, इतना बेइज्जती क्यों करते तू? क्लासेस मीटिंग्स बहुत ही कंटिन्यूस हो चुका है अब, लाइक हर एक आर क्लास है. तो अभी बहुत मुश्किल से टाइम मिला है. और अभी कंटिन्यूस 2 आवर्स ब्रेक है, तो पहला व्लॉग को भी एडिट करना है. अच्छा 1 आवर ब्रेक है, हमको तो नहीं पता है. देखियो गाइस, देखियो. तो अभी 1 आवर ब्रेक है, तो अभी पहला व्लॉग का कुछ एडिटिंग करना है और थोड़ा पार्टी भी करना है. आ चुका है हम कैंटीन पे और थोड़ा काम चल रहा है यूट्यूब का. ये ब्रीफ और ये बंदा बड़ी चालू निकला है. यहाँ एक भैया को हिंदी आता है, उनसे बातचीत करके एक चीज मैगी के बदले में डबल चीज मैगी लाया है, लेकिन पैसा दिया है चीज मैगी के लिए. वाह बेटा. और थोड़ा काम भी चल रहा है, थंबनेल का काम आ गया, चल रहा है डिस्क्रिप्शन एडिटिंग का काम. तो अब क्लास भी जाना है फटाफट खाके. आज है 25th अक्टूबर और एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है हमारा. आज पहला एग्जामिनेशन था, यूनिट टेस्ट है, 10 मार्क्स का ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट अच्छा नहीं गया है. और ये रही ग्रीष्मा, ये बहुत लिखी है, बगल में थी. हा? सेम क्लास पढ़ा है, ये काफ़ी लिखी है काफ़ी. और अभी ऐसा बोल रहा है तू? और अभी ऐसा बोल रहा है कि नहीं भाई लिखी नहीं है बिल्कुल भी, ये तो ठीक बात नहीं है. जो भी लिखा है जो, वो तो एफिशिएंट नहीं बना है ना, गलती तो हो चुकी है. ये झूठ है भाई, हमेशा ज़्यादा लाती है हमेशा. हम ज्यादा नहीं लाते गैस, ऐसा मत बोला कर तू. देखते हैं क्या होता है. और गैस हम जरूरी है अब कि हम मार्क्स रिवील करेंगे ब्लॉग में. आएगा ना बेटा तब बोलेगा तेरा. जरूर करना पड़ेगा. लास्ट टाइम का मार्क्स अगर बोलो तो हम बता दें. मेरे पास लास्ट टाइम का मार्क्स का रिकॉर्ड है. मेरा मार्क्स आया था 16 out of 20, इसका आया था 17 out of 20. 16 आया, 17 नहीं आया, हमको भी 16 आया. अच्छा तो हम भूल गए थे गाइस. कोई नहीं, मिलते हैं. अब कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, पता नहीं कब तक चलेगा. याद तो नहीं है अब कुछ भी, पर आज का एग्ज़ाम कुछ खास गया नहीं. और आफ्टरनून भी एक एग्ज़ाम है गाइस. आफ्टरनून भी हमारा एग्ज़ाम्स है. MLT है, मशीन लर्निंग. जो पहला ब्लॉग में बोला था ML का टीचर है, क्लास बंक करके बैठा हुआ है, उसी का है पेपर. और कुछ आता नहीं है उसमें भी. सब प्रिपेयर हो गया गाइस. डोंट बिलीव हिम. आई एम सेइंग बिलीव मी, नथिंग इज प्रिपेयर्ड. इंडिया पाकिस्तान मैच देख के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है. एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है, वो भी हायरार्कियल वाला. जो भी है ये महान पूरा कॉपी में पूरा बना के आया है, लेकिन अभी अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी झूठ बोलेगा. ये सही है. और ये रहा महान. एक बैग, दूसरा बैग हो चुका है. ML का एग्ज़ाम ख़त्म. पेपर काफ़ी लेंदी आया, होप नहीं था इतना ज़्यादा लेंदी आ जाएगा. 40 मिनट्स का एग्ज़ाम, पेपर लेंदी आया वो अलग,
जो क्वेश्चन आया था उसमें पहला क्वेश्चन में सारा पेपर खत्म, अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे सर पे। इसका भी हालत कुछ ऐसा है, बताओ ग्रीष्मा अपना एक्सपीरियंस। हालत तो बहुत खराब है, ना पेपर है ना टाइम है, बट आंसर्स पता है, उसका मेथड पता है, सब पता है। ये सही है, आंसर्स पता है, मेथड पता है, बट लिख नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं है। 40 मिनट्स में इतना लेंदी पेपर, बाप रे। बोल, कृपा करें मेरे एमएल टीचर मेरे को पास कर दे। होप सो, नहीं पास तो हो ही जाएंगे, इतना भी गंदा नहीं लिख के आए हैं। तू नहीं लिख के आया, हम लिख के आए। फिर से देख लो गाइज, चेहरा देख लो, अभी कोई कुछ बोला है ना फेल होगा, पास कर दे कृपा कर, हम देखेंगे। इस बार रिजल्ट जरूर डिस्क्लोज करेंगे और फोटो लेके डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट तो जरूर डालेंगे, ठीक है? और कुछ बोलना है अपने समर्थन में? इसको कुछ नहीं बोलना है अपने समर्थन में, इसको पता है कि अभी कटने वाला है इसका। क्या कटने वाला है? क्या? मिलते हैं कुछ देर बाद, या शायद कल, पता नहीं। अगला एग्जाम क्या है ये भी पता नहीं है। बस प्रिपरेशन तो क्या बोलते हैं, गजब होता है। पेपर देखने के बाद थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम होने के बाद। फिलहाल सब रिलैक्स्ड है और सब यहीं पर है, एग्जाम्स देने के बाद सब रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन में फ्लोट हो रहे हैं। सारे डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसका इसका एमएल होगा पक्का डिप्रेशन में होगा, कोई कोई लिख नहीं पाया होगा भाई। सम स्टूडेंट्स आर समथिंग लाइक दैट, पेपर ऐसे देके चला गया। कसम से इट्स लाइक पहला बार ऐसा देखा है कि हम लोग ऐसा सोच रहा है क्लास में बैठ के, भाई हम ही लोग का नहीं हुआ है कि बाकी सबका भी नहीं हुआ है। कुछ कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल है, पेपर लिया देके चला गया वापस, क्योंकि बहुत लेंदी था, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। वंस अगेन वेलकम बैक। आज है, आज कितना डेट क्या है ग्रीष्मा? आज ये पागल हो गई है सीओए का एग्जाम के बाद। गाइस आई हैव टू से वन थिंग, आज आयुष ना भगवान जैसा हमको बचा लिया है एग्जाम में, लास्ट मिनट में एक प्रॉब्लम बोल के हमको बचा लिया, सीधा 5 मार्क्स आ गए। आई एम ए सेवियर। नीचे आओ, नीचे आओ। आज था सीओए का एग्जाम, खत्म हो गया, एंड मोमेंट तक लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, पर इवेंचुअली निकल गया। 10 मार्क्स का ही पेपर था, लास्ट मोमेंट पे 2 क्वेश्चंस आया, आराम से निकल गया। और कल फिर अनदर एग्जाम है जिसका 0 प्रिपरेशन है, जिसका 0 अटेंडेंस भी है। और दूसरा ये कि कल रात में जब हम लोग प्रिपरेशन करने बैठे, कुछ प्रिपरेशन था नहीं, मस्त सोने चले गए। सुबह उठे, कॉलेज को आ गए, एंड मोमेंट पे एक फ्रेंड 2 क्वेश्चन बताया, वही 2 क्वेश्चन आ गया। बहुत लकी था आज का दिन, और फिलहाल लकी से ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। इंटायर सेमेस्टर में ट्यूसडे में 4 क्लासेस होता है, हम लोग 4 कभी अटेंड किए नहीं, 3 अटेंड किए हैं। आज पहला बार 4 अटेंड कर रहे हैं, और 4 अटेंड करने के बाद कहीं जाने का हिम्मत बचा नहीं है, और इसलिए दोपहर में क्लासेस भी नहीं है। हाँ, दोपहर में क्लासेस नहीं, दोपहर में क्लासेस नहीं होता था, फिर भी आज तक अटेंड किया नहीं है ये मानूस, और ये अभी हमको बोल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। कुछ बोलना है आपको? ये भुक्कर सिंह, हाँ भूख से याद आया, ये डेली मेरे को बोलेगा, आज के बाद हम खाना ले आएंगे मेस से, यहीं पर खा लेंगे, जाने आने का दिक्कत नहीं पड़ेगा। मेरा हॉस्टल जाने के लिए हमको यहाँ से कॉलेज से बाहर जाना है, फिर कुछ दूर चलना है, फिर वहाँ खाने का कॉलेज में रखता है हमारा। इसका हॉस्टल कॉलेज के अंदर है, फिर इसका इतना नखरा है, रोज बोलती है कि रोज खाना लाएंगे, पर आज तक खाना आया नहीं है गाइस, हम भूखा है आज तक। बस नाश्ता आता है, क्योंकि वो तो रूम से आना है, नाश्ता आ जाता है। आज तक नहीं, 2 टाइम्स आई गॉट एज एक्सपेक्टेड। पूरा सेमेस्टर पिलाया तेरे को लास्ट, पूरा सेमेस्टर में 2 टाइम्स बोला है ये, पूरा सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, इस सेमेस्टर का बात करना, पूरा सेमेस्टर क्या बात कर रहा है तू, सेमेस्टर में हमें बोल दिया 2 बार, एक बार भी नहीं लाया है, 2 बार कब लाया बे? एक बार भी नहीं लाया, झूठ बोल रहा है तू। तू हमेशा लाया है ब्रेकफास्ट, तू लंच कब लाया पहले ये बता, झूठ बोल रहा है, बहुत बहुत झूठ बोल रहा है। एक दिन लाया था, मान भी सकता है, वो याद है हमको।
इतना मत कर। हाँ एक दिन है। As expected. हम बोला है ना ये सच नहीं बोलेगा, ये हमेशा झूठी बोलता है। पागल है क्या, कैसे बोल रहा है तू? जो भी है, अब 3:45 से क्लास है, ट्राई करेंगे कि अभी जो कल एग्जाम है ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर टाइम मिलेगा नहीं। रूम पे जाने के बाद थोड़ा आराम करने का ही मन करता है। थोड़ा नहीं, पूरा आराम। हाँ वही, पूरा आराम करने का मन करता है। और व्लॉग्स भी एडिट नहीं हो पा रहा है इस बीच में, क्योंकि हम लोग ही इधर उधर है बहुत ज़्यादा, बहुत एग्ज़ाम्स वगैरह कंटिन्यूस बेसिस पे हैं। बट एनी वे विल ट्राई टू। और आज ट्यूसडे है ना, इवेंचुअली फाइनल ये हुआ था पहले जब हम लोग व्लॉग चैनल स्टार्ट कर रहे थे कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे ये दो डेज रहेंगे जिनमें हम व्लॉग अपडेट करेंगे। अब वो दो तो कर ही रहे हैं, दो या तीन भी कर दे रहे हैं। टू डेज ठीक है ना, दो दिन ये व्लॉग तो अपडेट हो ही रहा है, पर इस वीक में शायद एक भी नहीं आया अभी तक। तो इस वीक का आज आना चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है। मेरा एडिटिंग कंप्लीट है, हमारा थंबनेल कंप्लीटेड नहीं है। इसका थंबनेल कंप्लीटेड अभी तक नहीं है, जैसे ही कंप्लीट होगा हम ज़रूर अपडेट कर देंगे जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।